अगले साकिब भाई के ऊपर वैसे क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लग रहा था कल से आई फिक्सिंग। अच्छा दो बार नहीं इधर आई आया वो देखे वो देखे ओ लाए लाए साकिब भाई काम चेक करे एहतजाज इस्लामाबाद के हारने पे एहतजाज नहीं ये नजर बंद की स्पॉट फिक्सिंग थी सर ये दूसरी स्पॉट फिक्सिंग नहीं थी। चले लगा ले पहली पिक्चर बाद में दिखाना पहले मत दिखा देना जरा लाका शुरू किया जाए पहला पिक्चर दिखाया जाए क्लियो इतना जोर से बजा दिया हमने ओए 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 ये गुड है ये एक ऐसी चीज है जिसका नाम नजर बंद से मिलता जुलता जुलता नजर बंद ये लोगों की इज्जत और आबरू की भी बड़ी इसके अच्छा इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप यूज करते हैं अगर आप सलवार कमीज पहनते हैं तो अच्छा और उम्मीद है क्या आप इलास्टिक उम्मीद है आप इलास्टिक नहीं पहनते होंगे अगर आप कहते हैं मैं चेक कर लेता हूँ इलास्टिक है नहीं साकिब भाई रहने दे साकिब भाई बचपन में तो इलास्टिक पहनते होंगे ना अभी पहनते अभी पहनते नेक्स्ट पिक्चर जी नेक्स्ट पिक्चर ओए होए होए ओए होए जी अबे ये कहाँ से आ गया है मोक्ष वेरी गुड चश्मा पहनते हैं अच्छा जी क्रिकेटर है अच्छा क्रिकेटर है साबे क्रिकेटर है अच्छा जी अपनी पांव से जो है बेंच तोड़ डालते हैं आधे कपड़ों को धोते हैं महंगे वाले से आधे को धोते हैं सस्ते वाले से अच्छा मजे की बात ये है कि ये कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के उस इश्तेहारात में ज्यादा आते हैं बेंच तोड़ने में मशहूर बेंच तोड़ माशाल्लाह चश्मा भी पहनते हैं हाँ जी बिल्कुल वसीम अकरम भाई चले जी नेक्स्ट ओए होए ओए होए और आप इनको बड़ा फॉलो करते हैं प्यारे प्यारे इस्लामी भाई है अच्छा जी आगे चले पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है इनका अच्छा बिल्कुल माशाल्लाह से दाढ़ी का जो खतवत है वो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है अच्छा हाँ जी इनकी, इनकी तो मूछें हैं अच्छा हाँ जी इनकी मूछें हैं आपकी नहीं है अच्छा अच्छा मजे की बात है ये मुफ्ती है और इनका ताल्लुक सऊदीया से क्या बातें हो रही है मुफ्ती है सऊदीया से ताल्लुक हाँ तो क्या फतवा वहां से नहीं आ सकता ऑनलाइन बड़े फेमस है चुप तो कर हाँ हाँ आजकल कनाडा में होते हैं लेकिन प्रोड्यूसर से कह रहे हैं आपसे नहीं कह रहे साउथ अफ्रीका के तो नहीं मुफ्ती मैंग क्या बात है उस्ताद ये खत्म हो गया हो गया अभी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत झूठा और बेबुनियाद केस हुकूमत इंतखामी कार्रवाइयों पर उतर आई रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद तो फिर ये मुकदमा क्या है गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ तो फिर ये मुकदमा क्या है इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तर्दीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है तो फिर इस नाम निहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है बोल इंसाफ का मुंतजर है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए